बड़े हो गया लाती मारते हैं देख बुढ़िया जाना दिया मावा से मुस्कान फाजिल्का की समाजसेवी संस्था युवा राजपूत सभा की ओर से अपना वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया है। इस अवसर पर कन्याओं की लोहड़ी भी मनाई गई। पिछले एक वर्ष में जन्म लेने वाली कन्याओं की माताओं को सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाली माताओं ने इस प्रयास की सराहना करते हुए बेटे बेटी को एक समान बताया। युवा राजपूत सभा द्वारा जरूरतमंद परिवारों के लिए राशन वितरण, विधवा और विद्यार्थियों की सहायता के लिए प्रकल्प भी चलाए जा रहे हैं। स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करके दर्शकों का मनोरंजन किया। आइए इस पूरे आयोजन के संबंध में कुछ बाइट्स सुन लेते हैं। फंक्शन बहुत बढ़िया है। एक साल से छोटी बेटियों को सम्मानित किया जा रहा है। आजकल समाज में बेटा और बेटी समान है, हमें इसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहूँगी कि ऐसे फंक्शन हमें करते रहना चाहिए। और स्कूल वालों को भी जो ये आज फंक्शन हो रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं दो बेटियों की माँ हूँ और मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुझे बेटा चाहिए था, मुझे बेटी ही चाहिए थी। और भगवान ने मुझे एक बहुत ही सुंदर प्यारी बेटी से नवाजा। मंदिर की सीरत साड़ी युवा राजपूत सभा का अज वार्षिक कार्यक्रम है। एक प्रोग्राम जो काम सरकार करना चाहिए, तो साड़ी संस्था कर रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विद्यार्थियों वास्ते, विडोज के वास्ते, पोल्यूशन के अगेंस्ट, एनवायरमेंट अवेयरनेस वास्ते सी। सारे नौजवान सन साढ़े फाजिलका दे लगे ने, अज असी ये प्रोग्राम उन्होंने जरूरतमंद स्टूडेंट्स वास्ते ते विडोज वास्ते ऑर्गेनाइज किया, ताकि आने वाला सारा साल असी उन्होंने प्रोजेक्ट चला सकी। साढ़े सारे शहर वासी सानू आशीर्वाद देने लई आए ने। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।